माध्यमिक विद्यालय बांस में हो रहे अवैध अतिक्रमण के लिए उठाई आवाज। मामला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के तियथर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बांस का है, जहां दबंगों द्वारा स्कूल की जमीन पर मकान बनवाया जा रहा है। स्कूल की जमीन पर अवैध मकान बनता दिखा ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसे रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने शिक्षा वैसिक अधिकारी व मजिस्ट्रेट कलेक्टरों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए RI हल्का पटवारी को स्कूल परिषद की जमीन पैमाइश करने का आदेश दिया, जिसे मौके पर पहुंचे RI व पटवारी स्कूल की जमीन नाप की तो दबंगों द्वारा बनवाया जा रहा मकान स्कूल की जमीन में है, फिर भी अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। ग्रामीण अजय सिंह, कमलेश सिंह, विजयपाल, राकेश सिंह आदि ग्रामीणों ने आवाज उठाई कि स्कूल परिषद ही अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो जिला मुख्यालय में धरना दूंगा। प्रयागराज से जिला ब्यूरो शिवाकांत बिंद, इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज। विद्यालय के संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है? कोई RI लेखपाल आपके स्कूल के यहाँ पे नाप, मतलब नाप जो हो चुका है, पर 27 तारीख को पेशी थी और उस पर कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया। और हम लोगों का विद्यालय है यहाँ पे, मतलब 1952 से ये बना हुआ था, तो अब ये अवैध कब्जा के चक्कर में हम लोग काफ़ी कंप्लेन किए, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। अवैध कब्जा इसमें भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अवैध कब्जा, मतलब हमने हमारे स्कूल की जो अगल बगल जो जमीन है उसे पूरा बाउंड्री की जाए, और हमारा सेफ बच्चे जो भी खेलने कूदने बगल में लैट्रिन बाथरूम जो भी है, काफ़ी फैसिलिटी जो भी बच्चों को दिया जा रहा है विद्यालय के माध्यम से। किसके द्वारा स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कराया जा रहा है? अब द्वारा तो नहीं बता सकते, बट जो यहाँ पे मतलब किए हुए हैं वो मिस्टर छेदीलाल आदिवासी हैं। द्वारा RI साहब जब नापने आए तो उनको पता है, RI साहब आए थे उनको बताया गया है, और वो पंचनामा करके पूरा कंप्लीट भी कर चुके हैं, सीमांकन करके गए हैं, बस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपका शुभ नाम? रमा शंकर, ग्राम बांस।